हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। एंड दोस्तों, आज हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू होंडा एलिवेट 2023। एंड दोस्तों, देख लीजिए गाड़ी की लुक्स क्या है। आपको इसमें लुक्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही शानदार लगती है दोस्तों ये गाड़ी देखने में। एंड दोस्तों, अगर आपने सामने देखोगे इस गाड़ी को तो काफ़ी बड़ी एंड मस्कुलर गाड़ी है लगती है। बाकी दोस्तों, अभी आप जो वेरियंट देख रहे हैं ये दोस्तों आपका वी वेरियंट एंड यानी आपका सेकेंड बेस वेरियंट है दोस्तों। इसके बाद आपका वी एक्स आता है एंड उसके ऊपर जेड एक्स आता है टॉप वेरियंट। बाकी दोस्तों, अगर इसका ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको मैनुअल एंड सीवीटी ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों, इस गाड़ी का आपका डायरेक्ट कंपटीशन है आपकी क्रेटा, सेल्टोस एंड ग्रैंड विटारा से। सो दोस्तों, बात करते हैं अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की, जो आपका आता है मैनुअल ट्रांसमिशन में तो आपका पड़ता है 12,10,000। एंड ऑन रोड की बात करें तो 14,15,000 रुपये पड़ जाता है। वहीं दोस्तों, अगर इसकी सीवीटी वेरिएंट की बात करते हैं तो एक्स शोरूम प्राइस आपको पड़ती है 13.20 लाख रुपये। एंड ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 15.40 लाख रुपये की गाड़ी आपको कंप्लीट पड़ जाती है। सो दोस्तों, होंडा एलिवेट की कोई भी आपको बुकिंग वगैरह करनी है या से रिलेटेड कोई भी क्वायरी चाहिए, टेस्ट ड्राइव चाहिए, तो मैं यहाँ के जो सेल्स हेड का नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। एंड थोड़ा बहुत दोस्तों आपको शायद वो डिस्काउंट भी दे देंगे, अगर आप चैनल का नाम लेंगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। सो अभी हम दोस्तों हैं सुमेधा होंडा ग्वालियर में। बाकी दोस्तों, बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। काफ़ी शानदार गाड़ी आपको मिलती है। एंड दोस्तों, सिर्फ इसमें आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। इसमें दोस्तों कोई भी आपको टर्बो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इस होंडा एलिवेट का कंप्लीट वॉक अराउंड एंड रिव्यू करेंगे। एंड लगभग दोस्तों 14,20,000 रुपये देने के बाद आपको इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वही सब दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों, अगर फ्रंट की बात करें तो इस गाड़ी में जो आपको विड्थ देखने को मिल जाती है वो आपको 1790 mm की विड्थ देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों, जो इसका कॉम्पिटिटर है सेल्टोस या क्रेटा, उसकी 1800 mm की इसमें आपको विड्थ देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, बात करें फ्रंट में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है तो आप देख लीजिए, पर बीच में आपको दोस्तों होंडा का लोगो देखने को मिलता है क्रोम एलिमेंट के साथ। वहीं दोस्तों, ऊपर की बात करें यहाँ पर आपको ये क्रोम के एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, इससे गाड़ी की लुक्स और बेटर हो जाती है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट से दोस्तों गाड़ी काफ़ी बोल्ड आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं दोस्तों, बात करें अगर इसके लाइट सेटअप की तो आपको देख लीजिए, ये आपको मिलते हैं DRLs। यही दोस्तों आपके काम करेंगे टर्न इंडिकेटर का, प्लस यही आपके DRLs हैं। एंड लाइट सेटअप की बात करें तो आप देख लीजिए, आपको प्रोजेक्टर में लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है जो आता है आपका LED में। एंड इस वेरियंट में दोस्तों आप एंड सेकेंड बेस वेरियंट में दोस्तों आपको फॉग लैंप देखने को नहीं मिलते हैं। एंड बाकी आप इससे ऊपर एक वेरियंट लेंगे VX, तो उसमें दोस्तों आपको फॉग लैंप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि आपका रहेगा LED में। बाकी सेंटर में दोस्तों आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको नंबर प्लेट की पोजीशनिंग देखने को मिल जाती है। एंड ग्रिल की बात करें तो आपको दोस्तों ग्लॉसी ब्लैक में इसकी ग्रिल देखने को ना मिलते हुए मैट ब्लैक में दोस्तों आपको ये ग्रिल देखने को मिल जाती है। नीचे दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो लगभग आपको इसमें 220 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों, जो इसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है सेल्टोस एंड क्रेटा, उसमें दोस्तों आपको 190 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा है कि बस ये 5 mm से फॉर्च्यूनर को मात नहीं दे पाती, यानी फॉर्च्यूनर का दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 225 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों, आपकी होंडा एलिवेट का 220 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है। एंड अगर इसकी बोनेट की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कर्वी लाइंस वगैरह देखने को मिल जाती है, इससे लुक्स गाड़ी की और बेटर हो जाती है। बाकी वाइपर की बात करें तो आपको 2 वाइपर देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में, वो भी आपके नॉर्मल वाले वाइपर, इसमें आपको फ्रेमलेस वाइपर कंपनी ऑफर नहीं करती है। साइड लुक्स की बात करें तो गाड़ी काफ़ी अच्छी दोस्तों देखने में। एंड लेंथ वाइज बात करते हैं तो आपको 4312 mm की इसमें आपको लेंथ देखने को मिल जाती है। व्हील बेस की बात करें दोस्तों तो आपको 2650 mm का इसमें आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों, सेल्टोस और क्रेटा का आपको 2610 mm का व्हील बेस। एंड लेंथ दोस्तों आपको क्रेटा और सेल्टोस की ज़्यादा देखने को मिल जाती है। सेल्टोस की लेंथ की बात करते हैं तो आपको 4365 mm की लेंथ देखने को मिल जाती है। एंड वहीं दोस्तों, ऊपर आते हैं तो आपको इसमें रूफलेस देखने को नहीं मिलता सेकंड बेस मॉडल में, ना ही इसमें आपको दोस्तों सनरूफ देखने को मिल जाती है। सो बात करें दोस्तों अगर इसके साइड मिरर की तो आपको देख लीजिए बॉडी कलर देखने को मिलता है, इसमें आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों, ये आपके ऑटो फोल्डेबल तो आपको देखने को नहीं मिलते सेकेंड बेस वेरियंट में, बट आपको ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को जरूर मिल जाते हैं। वहीं दोस्तों, अगर इसका टायर साइज़ की बात करते हैं यानी सेकंड बेस मॉडल में, तो दोस्तों आपको 215/60R16 का टायर साइज स्टील व्हील रिम के साथ, प्लस आपको व्हील कैप देखने को मिल जाते हैं। एंड फ्रंट में दोस्तों कंपनी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, साथ ही साथ आपको ब्लैक कलर की ग्लाइडिंग देखने को मिल जाती है। एंड रियर वाले टायर की बात करें तो दोस्तों उसमें आपको कंपनी नॉर्मल ड्रम ब्रेक ऑफर करती है।
अभी आप दोस्तों देख रहे हैं गाड़ी की साइड लुक्स प्लस बैक प्रोफाइल, एंड यहाँ दोस्तों आपका रहता है फ्यूल लिड ओपनर। एंड अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको पेट्रोल वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। एंड टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 40 लीटर की दोस्तों इसमें आपको टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। ये देख लीजिए आपके सामने इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल, बड़ी शानदार लगती है, मस्कुलर लगती है। हाइट की बात करें तो 1650 mm की इसमें आपको हाइट देखने को मिलती है। वहीं सेल्टोस की बात करें तो आपको 1645 mm की इसमें हाइट देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाती है यहाँ पर, चलिए वो हम देखते हैं। पहले दोस्तों बात करें, बीच में आपको होंडा का लोगो मिलता है क्रोम एलिमेंट के साथ। पीछे आपको दोस्तों ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं। बाकी टेल लाइट सेक्शन की बात करें तो आपको दोस्तों एलईडी में टेल लाइट सेक्शन देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे कनेक्टिंग टेल लाइट सेक्शन नहीं है। एंड अगर टेल लाइट सेक्शन की बात और करते हैं तो आपको आई थिंक सब वेरिएंट में सेम टेल लाइट सेक्शन देखने को मिल जाता है। बाकी आप ऊपर आएंगे ग्लास में तो यहाँ पर आपको वाइपर देखने को नहीं मिलते, बट आपको डिफॉगर देखने को मिल जाता है, साथ में हाई स्टॉप माउंट लाइट एंड ऊपर आपको सार्फिन एंटीना भी देखने को मिल जाएगा। पीछे दोस्तों आपको 4 पार्किंग सेंसर प्लस आपको कैमरे की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। एंड बात करें दोस्तों अगर इसके बूट स्पेस की, तो चलिए टेल गेट ओपन करते हैं। यहाँ से बटन प्रेस करिए एंड जस्ट कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। बाकी पहले दोस्तों आपको इसमें पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है जो कि आपकी डिसेंट सी साइज़ की है। एंड ये रहा दोस्तों इसमें आपको बूट स्पेस जो कि काफ़ी मैसिव साइज़ का, इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। एंड अगर इसके बूट स्पेस की बात करें तो 458 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस, सेल्टोस में मिलता है आपको 433 लीटर का बूट स्पेस, सेम क्रेटा में भी आपको 433 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों बात करें यहाँ पर आपको लाइट्स वगैरह देखने को नहीं मिलती। एंड दोस्तों 4-5 बैग तो इजीली इस गाड़ी में आ जाएंगे। सो बात करें अगर स्टेपनी व्हील की, इसे ओपन करते हैं, ये दोस्तों क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी यहाँ पर आपको टूल किट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। एंड टायर सेक्शन की बात करें तो दोस्तों आपको सेम R16 का गुडियर का टायर विथ स्टील रिम के साथ देखने को मिल जाता है। तो यही सब कुछ दोस्तों इसके बूट स्पेस में आपको देखने को मिल जाता है। रियर डोर की अगर डोर पैनल की बात करते हैं दोस्तों, तो देख लीजिए वही आपको ड्यूल टोन का मिलता है। ये दोस्तों कलर बेज कलर है, आई डोंट नो कौन सा कलर है, बेज एंड ब्लैक आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आपका इसमें टोटल हॉट प्लास्टिक का इसमें यूज़ आपको देखने को मिलेगा। नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, ट्विटर की प्लेसमेंट इसमें आपको देखने को नहीं मिलती। सेकेंड बेस मॉडल में आपको पावर विंडो कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, डोर ओपनर। एंड दोस्तों बाकी इसमें कहीं आपको सॉफ्ट फैब्रिक टच वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। सो अभी हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। एंड अगर रियर वाली सीट की बात करें दोस्तों, तो जो नीरू मिलता है दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि मैं आगे वाली सीट पर बैठा था, अभी मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट की है। एंड नीरू दोस्तों काफ़ी अच्छा है। बाकी बात करें थाई सपोर्ट की, तो वो भी दोस्तों आपको अच्छा खासा इसमें थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है। रियर वाले पैसेंजर की बात करें तो आपको उधर AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे दोस्तों आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा। रूफ़ की बात करें तो आपको दोस्तों यहाँ पर कोई भी लाइट्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, बट आपको सेंटर में एक लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है हैलोजन बल्ब के साथ। और बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड सॉफ्ट आपको इसमें ग्रैब हैंडल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बाकी सनरूफ इस मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलती, वी मॉडल के बाद आपको VX मॉडल में एंड ZX मॉडल में आपको सनरूफ देखने को मिल जाती है। सीट की बात करें तो आपको इसमें ड्यूल टोन की सीट देखने को मिलती है दोस्तों, कुछ इस टाइप से, जो कि आपका बेज एंड ब्लैक कलर की, काफ़ी अच्छा इसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। बाकी सीट आपको 60-40 में स्प्लिट देखने को मिल जाती है एंड इसमें आपको 2 आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर हेडरेस्ट की बात करें, 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको दोस्तों इसमें। पीछे आपको पार्सल ट्रे देखने को जरूर मिल जाती है। एंड अगर बात करें दोस्तों इसके रिक्लाइन एंगल की सीट की, तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको रिक्लाइन एंगल देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों इस गाड़ी में मतलब 2 बड़े लोग एक छोटा बच्चा तो ईजिली बैठ जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपके पैर की बात करें तो जो आपको इसमें रिक्लाइन एंगल मिलता है थोड़ा सा ऐसा मिलता है रिक्लाइन टाइप का, तो उससे आपको पैर रखने में बड़ा सुकून मिलेगा। सो बाकी दोस्तों आपके वी वेरिएंट में यही सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है इसके इंटीरियर एंड डैशबोर्ड में। एंड डैशबोर्ड की लुक की बात करें तो कुछ इस टाइप का इसमें आपको लुक्स देखने को मिल जाते हैं। सो दोस्तों कैसा लगा आपको वी मॉडल का इंटीरियर एंड डैशबोर्ड, प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बात करें अगर ड्राइवर साइड डोर की, यहाँ पर आप देख लीजिए आपको, यानी सेकेंड बेस मॉडल में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर, नीचे की लगाने की स्पेस। एंड जैसे ही आप डोर पैनल ओपन करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने ड्यूल टोन का इसका आता है डोर पैनल जो कि आपका बेज एंड ब्लैक कलर का है, ठीक है। बाकी आपका टोटल इसमें हार्ड प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिल जाता है पूरा का पूरा। नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, आपको इसमें ट्विटर की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी सेकंड बेस में। बाकी बोटल स्पेस आपको देखने को मिलता है, ये होगा आपका ग्रैब हैंडल टाइप का, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स,
चाइल्ड लॉक का बटन दिया गया दोस्तों यहाँ पर आपको डोर लॉक अनलॉक करने के लिए, मिरर सेट करने के कंट्रोल्स लेफ्ट राइट, बाकी यहाँ पर आपको डोर ओपनर भी दिया गया है। सीट की बात करते हैं तो सीट हाइट आपको उसमें मैनुअली करने को मिल जाएगा एंड क्योंकि सेकंड बेस मॉडल है, चलिए इतना तो खैर ठीक है। बाकी यहाँ देख लीजिए आपको दोस्तों, ये आपका मैनुअल वेरिएंट रहता है। यहाँ की बात करते हैं आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर यूनिट, बाकी दोस्तों ये आपका सॉफ्ट टच नहीं, हार्ड प्लास्टिक का इसमें यूज़ आपको देखने को मिलता है। इसी वेंट की प्लेसमेंट, बाकी ऊपर भी आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिल जाएगा। इधर आप देख सकते हैं आपको मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन एंड बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं बढ़िया शानदार सा आपको उसमें इंटीरियर देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों आपका रहेगा सेकंड बेस मॉडल यानी वी। सो आपको दोस्तों होंडा एलिवेट में वी मॉडल में जो इंटीरियर आपको देखने को मिलता है कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपका रहता है ड्यूल टोन का, मतलब दिखने में काफ़ी अच्छा है, इसको कोई नहीं बोल सकता आपका सेकंड बेस मॉडल है। बाकी दोस्तों देख लीजिए आपको ड्यूल टोन में मिलता है यहाँ पर आपका बीज कलर, बाकी आपका ऊपर ब्लैक कलर एंड दोस्तों यहाँ पर आपको स्मूथ फिनिश देखने को मिल जाता है। स्टेयरिंग की बात करते हैं तो स्टेयरिंग दोस्तों आपको मिल जाता है राउंड शेप एंड इसमें आपको कोई भी लेदरेट वर्क देखने को नहीं मिलता, बट दोस्तों बात करें इसकी टच की तो काफ़ी अच्छा आपको टच दिया गया है, यानी आपकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। बीच में दोस्तों आपका होंडा का लोगो मिल जाता है। लेफ्ट साइड बात करें तो आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह एंड नीचे की बात करें कॉल कट, कॉल पिकअप एंड वॉइस कमांड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। राइट साइड की बात करें कोई भी आपको कंट्रोल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। एंड स्टेयरिंग की बात करते हैं दोस्तों तो आपको टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक सेकेंड बेस मॉडल में भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। राइट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दोस्तों लाइट्स कंट्रोल प्लस इंडिकेटर कंट्रोल्स एंड लेफ्ट साइड की बात करें तो आपको वाइपर कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाते हैं एंड कुछ इस टाइप का आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जो कि आपका रहता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड दोस्तों ये चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेस मॉडल में, यानी सेकंड बेस मॉडल में आपको ये देखने को मिल जाता है एंड इसकी लुक्स भी काफी अच्छी है लगभग दोस्तों, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। राइट साइड की बात करें स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड की बात करें टैकोमीटर एंड सेंटर में दोस्तों आपको लगभग 3.5 इंच की इसमें छोटी डिस्प्ले मिलती है, जिसमें दोस्तों आपका फ्यूल एवरेज वगैरह एंड फ्यूल गेज मीटर, कितनी गाड़ी चल चुकी एंड टाइम वगैरह सब कुछ आपका शो कर देगा। सो ऊपर दोस्तों यहाँ पर बात करें तो हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है एंड सेंटर कंसोल में दोस्तों आप आएंगे तो जो इसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है वो आपको मिलती है 8 इंच की, जो कि दोस्तों आपका सपोर्ट करेगी एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले वायरलेसली एंड दोस्तों बढ़िया इसमें, मतलब सेकंड बेस मॉडल में भी आपको इतना अच्छा खासा सिस्टम देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें इसके रिवर्स कैमरा क्वालिटी की तो आप देख लीजिए कुछ इस टाइप की इसमें आपको रिवर्स कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाती है एंड दोस्तों बढ़िया क्वालिटी आपको इस बार दी गई है। साथ में दोस्तों नीचे बात करें तो आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट यहाँ पर दोस्तों आपको एकदम स्मूथ फिनिश देखने को मिल जाता है एंड ये आपके एसी वेंट की प्लेसमेंट एंड हजार्ड का ऑप्शन, इसमें आपको सेकंड बेस मॉडल में ऑटोमेटिक एसी भी देखने को मिल जाता है विथ मैक्स कूल। यहाँ पर दोस्तों आपको वायरलेस चार्जर देखने को नहीं मिलता, अगर आप VX वेरियंट लेंगे तो आपको इसमें वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है। यहाँ की तरफ दोस्तों आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पर आपको 2 USB चार्जिंग पोर्ट एंड यहाँ पर आपको 2 कप ग्लास होल्डर। बाकी दोस्तों की बात करें कुछ स्टेप की आपको इसमें की देखने को मिलती है, दोनों दोस्तों आपको स्मार्ट की देखने को मिल जाती है यानी सेकंड बेस मॉडल में भी। ये रहेगा आपका दोस्तों गियर नॉब एंड बात करें दोस्तों तो ये रहेगा आपका 6 स्पीड मैनुअल वेरिएंट, यहाँ पर दोस्तों आपको वुडन टच दिया गया है, बाकी आपको यहाँ पर बीज कलर भी दिया गया है। हैंड ब्रेक आपको दोस्तों मैनुअली मिलता है इसमें, बाकी आर्मरेस्ट की बात करें फैब्रिकेट है एंड ओपन करेंगे तो आपको इसमें अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। सीट की बात करें तो आपको मिलती है ड्यूल टोन की ब्लैक एंड बेज कलर की दोस्तों एंड फैब्रिकेट आपको इसमें सीट देखने को मिल जाती है एंड इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी आप टॉप मॉडल लेंगे तो भी इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। एंड डैशबोर्ड की बात करें दोस्तों ये आपका स्मूथ फिनिश नहीं है, ये आपका दोस्तों प्लास्टिक का यूज़ किया है बेज कलर का, बाकी नीचे आपको दोस्तों ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, इसमें आपको लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है, ऊपर हार्ड प्लास्टिक, ये टोटल आपका स्मूथ फिनिश दिया गया है। रियर व्यू मिरर की बात करें तो आपको उसको मैनुअल आपको रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाता है, यहीं पर दोस्तों आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं जो कि हैलोजन बल्ब के साथ हैं। सनवाइजर की बात करें देख लीजिए क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है एंड इसमें आपको वैनिटी मिरर दोस्तों देखने को नहीं मिलता। पैसेंजर साइड बात करें तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है बट लाइट का ऑप्शन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। इधर दोस्तों आपको ग्रैब हैंडल वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। सो मतलब बढ़िया तरीके दोस्तों इस गाड़ी की डिज़ाइन किया गया है इसके इंटीरियर को। सो आपको दोस्तों कैसा लगा इसका इंटीरियर प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। सो होंडा एलिवेट में दोस्तों आपको कौन सा इंजन देखने को मिल जाता है तो पहले तो बात करते हैं दोस्तों इसके इंजन की, आप देख लीजिए आपको उसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपका होंडा सिटी में इंजन देखने को मिलता है, सेम इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है, काफ़ी ट्रस्टेड इंजन है, ठीक है। बाकी इसके पावर फिगर की बात करते हैं तो आपकी 121 BHP वहीं दोस्तों 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी आपको प्रोड्यूस करके देती है। सो बोनट की बात करें तो आपको इसमें इंसुलेशन देखने को ज़रूर मिल जाता है
एंड अगर इसके माइलेज की बात करें तो दोस्तों कंपनी इसका 15.26 कुछ का एवरेज क्लेम करती है। बाकी ये दोस्तों पता चलेगा रियल लाइफ में कितना है गाड़ी एवरेज आपको देगी। तो दोस्तों हमने होंडा एलिवेट का कंप्लीट वॉक अराउंड एंड रिव्यू किया है कि दोस्तों आपको वी मॉडल में क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जुड़े रहे हमारे साथ और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।